नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, अध्यापक उस दीपक के समान है, अध्यापक उस दीपक के समान है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशन करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को, जिन बच्चों ने हमें हैप्पी टीचर्स डे की बधाई दी, मैं सभी का रिप्लाई भी नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, मैं हर एक उस बच्चे का तह दिल से रिप्लाई कर रहा हूं कि आप सभी को बच्चों, जिसने भी हमें विश किया है उसको मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूं। और बच्चों, आपका इतना प्यार बन जो दे रहे हो, ऐसा प्यार शायद ही मैंने अपने जीवन में कभी देखा हो। और बच्चों, जो दूरी ना एप पर जो क्रेश कोर्स इंडिया जीके वाला वो भी शुरू किया, उसमें भी आपका अपार सहयोग मिला। महज 3 दिन में 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बच्चों, उसके लिए कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो कॉन्टेक्ट नंबर, बच्चों उस दुरीना ऐप के कॉन्टेक्ट नंबर डाले हुए हैं, उस पर ना कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों, हमने जो क्रेश कोर्स की एक सीरीज शुरू की थी इंडिया जीके की, वो मैं लेकर आया हूं, और आपके एग्जाम तक बच्चों ये सीरीज हमें रुकने नहीं देंगे। हम ऐसे 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जामों में इंडिया जीके में आए हुए हैं, और HSSC आपको पता है पैटर्न है कि ये क्वेश्चन क्या करती है बच्चों, रिपीट करती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है। बच्चों, पृथ्वी की, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के अंदर की अगर हमें संरचना का पता करना है ना, इसका सबसे बेस्ट वे है ज्वालामुखी। क्या होता है बच्चों? ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर से जब फटता है ना बच्चों, पृथ्वी के अंदर से जो लावा या मैग्मा आता है ना, उसमें पृथ्वी के भीतर से जो चीजें बाहर निकल कर आती है। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो बच्चों, ये क्या रहेगा? ज्वालामुखी रहने वाला है। क्या रहेगा बच्चों? ज्वालामुखी रहने वाला है। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। इसमें ऑप्शन थे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या कोयला ऊर्जा। तो कोयला ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला ऊर्जा। ये कोयला ऊर्जा इसका क्या रहेगा बच्चों? ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक एग्जाम में आया हुआ था कि क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो कौन सी ऊर्जा रहेगी? कोयला ऊर्जा। क्योंकि बच्चों, सौर ऊर्जा है ना, ये सूर्य के प्रकाश से है, इसको तो हम दोबारा हो सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, पवन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला है ना, ये एक बार बदलो इसका रिसोर्सेज है ना, वो क्या होते हैं बच्चों? सीमित होते हैं। तो कोयला ऊर्जा इसमें रहेगा। तो अगले क्वेश्चन आया था बच्चों कि खालिस्तान पारे का ऐसक है। ये बहुत बार आता है बच्चों, सीनेबार पारे का ऐसक किसे बोला जाता है? सीनेबार किसका ऐसक है बच्चों? पारे का ऐसक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा रिपीट है, खालिस्तान पारे का ऐसक रहेगा। तो कौन सा रहने वाला है? सीनेबार रहने वाला है। ठीक है, आगे बच्चों एक क्वेश्चन है जो बार बार HSSC है ना, बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। वो है दूरदृष्टि दोष को खालिस्तान के प्रयोग से हम सही किए कर सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को किसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं बच्चों? उत्तल लेंस के माध्यम से। इसी के स्थान पर आपको निकट दृष्टि दोष पूछे ना, तो अवतल लेंस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। देखो, दूर छोटा है तो उत्तल छोटा है, निकट बड़ा है तो अवतल बड़ा है। तो बच्चों, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दूर दृष्टि उत्तल द्वारा, निकट दृष्टि किससे ठीक किया जाता है? अवतल द्वारा। और बलवंत सर साइंस की क्लास लेते हैं बच्चों, उसमें दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। और आज सुबह वीडियो डाली थी, 17-18 हजार बच्चों ने बलवंत सर की वीडियो को देखा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो बच्चों, आप जितना हमें प्यार देते हैं ना, उतना ही और टीचरों को प्यार देंगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। आगे आता है, छोटे शहरों का प्रशासन खालिस्तान के द्वारा चला जाता है। तो छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है बच्चों। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका। और ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे पहले नगर पालिका का गठन कब हुआ था? 1687 में नगर पालिका का गठन कहां पर हुआ था? मद्रास में। सबसे पहले नगर पालिका का गठन 1687 में हुआ था बच्चों, ये क्वेश्चन रट लेना। कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चों नगर पालिका का गठन? मद्रास में हुआ था। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि किसने आदर्श भाषण स्थिति का सिद्धांत दिया था? आदर्श, ये जर्गेन हेवर
हेवरमोस, जर्गेन हेवरमोस, जर्गेन हेवर मोस ने किसका सिद्धांत दिया था बच्चों? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने आदर्श भाषण स्थिति का सिद्धांत दिया था? ये बच्चों आप पढ़कर देखना ना, इको उसमें इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, पर कैपिटल इनकम, वो सारी चीजें बच्चों आपको इकोनॉमिक्स जो HSSC लेवल में आती है ना, उसकी बच्चों ये कोशिश करेंगे 250-300 क्वेश्चनों की ना एक PDF आपको दे दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी बच्चों 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, किसने आदर्श भाषण स्थिति का सिद्धांत दिया था? जर्गेन हेवरमोस मोस ने दिया था। आगे आता है बच्चों कि मनरेगा के तहत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? तो मनरेगा के लिए बच्चों 100 दिन के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, आ चुका है। मनरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? 100 दिन के लिए मनरेगा में क्या किया जाता है? रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आगे आता है बच्चों, सामाजिक लेखांकन के दौरान नागरिकों को क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो सामाजिक लेखांकन के द्वारा बजट का आवंटन, भुगतान के बाउचर, लाभार्थियों के लाभ, ये सभी बच्चों ये क्या होता है कि सामाजिक लेखांकन के दौरान ये सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। एक तो बजट का आवंटन, भाई कितना बजट बांटा गया है, भुगतान के बाउचर भी दिए जाते हैं, और लाभार्थियों को कितना लाभ, यानी ये सभी चीजें दी जाती हैं। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई? अरुणा आसफ अली को क्या कहा था? हीरोइन ऑफ 1942, हीरोइन ऑफ 1942 किसे कहा गया? अरुणा आसफ अली। और बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। और इस आंदोलन का नारा भी पूछा जाता है बच्चों, डू और डाई, करो या मरो, किसका नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। और इसके बाद बच्चों, इस आंदोलन में एक और लड़की ने योगदान दिया था, उषा मेहता ने, और महात्मा गांधी का साथ दिया था बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने भी साथ दिया था। और किसने साथ दिया था बच्चों? महात्मा गांधी का, जयप्रकाश नारायण ने भी किसका साथ दिया था बच्चों? महात्मा गांधी का क्या दिया था? साथ दिया था। आगे आता है बच्चों, किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? सऊदी अरब ने खेल को बच्चों, योग को खेल गतिविधि से किसने जोड़ दिया है? सऊदी अरब ने योग को किससे जोड़ दिया बच्चों? खेल गतिविधि से किसने जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है बच्चों? सऊदी अरब ने जोड़ दिया है। सऊदी अरब के ना कानून बच्चों बड़े कठोर होते हैं, इन्होंने योग को। और बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसके प्रयासों से मनाया जाता है बच्चों? बाबा रामदेव के प्रयासों से मनाया जाता है। किसके प्रयासों से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों? बाबा रामदेव के प्रयासों से मनाया जाता है। आगे आता है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? रियलिटी में बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? अकबर, उस टाइम मुगल बादशाह कौन होता था? अकबर। अगर आए पहला अंग्रेज किसके शासन काल में व्यापार की परमिशन के लिए आया था? तो वो बच्चों जहांगीर के दरबार में आया था। तो कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। किसके दर लिए आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ने ना जहांगीर से फारसी में बात की थी, और जहांगीर ने उसको 400 मनसब दान दिए थे, लेकिन बच्चों वो व्यापार की परमिशन लेने में कामयाब नहीं रहा। व्यापार की परमिशन लेने में कामयाब रहेगा 1615 में आएगा सर टॉमस रो आएगा। कौन आएगा? आगे आता है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है बच्चों? ये तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगर बच्चों सूरदास ने पूछे तो क्या लिखी थी? सूरदास ने क्या लिखी थी? सूरदास ने सूर सागर लिखी थी। क्या लिखी थी बच्चों? सूर सागर। और रामचरितमानस किसने लिखी थी? ये तुलसीदास। अगर तुलसीदास पूछे किस काव्य धारा के कवि थे? राम जी काव्य धारा के कवि थे। और सूरदास जी बच्चों किरसन जी काव्य धारा के क्या होते थे? कवि होते थे। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल कब बना? ये बच्चों RSS बार बार पेपर में, क्योंकि बीजेपी में ना RSS का बहुत योगदान होता है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल कब बना? 27 सितंबर 1925 याद कर लेना बच्चों, 27 सितंबर 1925 को क्या बना? राष्ट्रीय
स्वयं सेवक दल बना। कब बना? 27 सितंबर 1925 को बना। यहां से बच्चों क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो बच्चों दोबारा भी आ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार आया था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आर नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा बच्चों? नागपुर में रहेगा। और वर्तमान में बच्चों मोहन भागवत का आरएसएस में बहुत बड़ा रोल है और वही डिसाइड कर रहे हैं, तो मोहन भागवत का किस में रोल रहेगा? आरएसएस में। और बच्चों इसके एक बार संस्थापक याद होना चाहिए, केशव बलिराम। इसके संस्थापक कौन होते थे? केशव बलिराम जी ने इसकी क्या की थी बच्चों? स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925। और इसी प्रकार कांग्रेस पूछ ले तो बच्चों 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेव ह्यूम। ये बच्चों इटावा के रिटायर्ड अधिकारी होते थे। इसी प्रकार बीजेपी पूछे तो 6 अप्रैल 1980। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर आपको पता है बच्चों नई दिल्ली में कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। क्योंकि बच्चों आजकल ये क्वेश्चन है ना ट्रेंडिंग में रहेंगे। आगे एक बार आया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया 1950 में। किसका गठन किया गया बच्चों? योजना। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। किस आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया। और बच्चों अब इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग कहा जाता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र दामोदर दास। क्या होंगे? मोदी। तो इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कब किया गया बच्चों? 1 जनवरी 2015 में। यानी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे तो कौन रहेंगे? नरेंद्र दामोदर दास जी, मोदी रहेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, यानी 2014 में कौन सा अभियान चला था? स्वच्छ भारत अभियान। यानी 2 अक्टूबर को बच्चों महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन या लाल बहादुर शास्त्री के बर्थडे दिन वाले दिन कौन सा अभियान चला था? स्वच्छ भारत अभियान। यानी 2014 में बच्चों पहली बार किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की सरकार बनी थी। एक बार आया था बच्चे ये क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, विश्व की एकमात्र ब्लाइंड पर्वतारोही कौन है? मांडवी गर्ग। हिसार से विश्व की एकमात्र ब्लाइंड पर्वतारोही कौन रहेगी? मांडवी गर्ग रहेगी। कौन रहेगी बच्चों? मांडवी गर्ग रहेगी। और मांडवी गर्ग का संबंध कहां से है? हिसार से। ये विश्व की एकमात्र क्या रहेगी बच्चों? पर्वतारोही रहेगी। तो ये मांडवी गर्ग विश्व की पहली या एकमात्र अभी तक की ब्लाइंड पर्वतारोही कौन है? मांडवी गर्ग। मांडवी गर्ग का संबंध बच्चों कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। कहां से रहेगा मांडवी गर्ग जी का संबंध? कहां से रहेगा? हिसार से। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी? बच्चों न्याय की जंजीर किस शासक ने लगवाई थी? जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर या इसे न्याय का घंटा बोला जाता था। न्याय का क्या बोला जाता था बच्चों? घंटा बोला जाता था। एक बार आया था, ये कैसी जंजीर थी? सोने की जंजीर होती थी। और बच्चों ये गांव के ना मतलब जहांगीर के शासनकाल के बीच में लगी होती थी। और जहांगीर कहता है कि किसी को ना मेरे दरबार में आने की जरूरत नहीं है, किसको समस्या है ना तो वो इस घंटे को बजा सकता है। तो एक बार कहते हैं बच्चों एक गाय ने इस घंटे को बजा दिया था, तो जहांगीर ने पूछा किसने बजाया, तो पता चला गाय। तो गाय को दरबार में बुलाया जाता है और उसे मतलब चारा दिया जाता है। तो जहांगीर बच्चों शराबी जरूर था, लेकिन जहांगीर दिल का बुरा नहीं था। शराबी हो सकता है लेकिन दिल का बुरा नहीं था। तो बच्चों एक बार आया था, जहांगीर के शासनकाल को किसका सवर्ण काल कहा जाता है? चित्रकला का सवर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का सवर्ण काल कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों की प्रस्तावना, इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है?
आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना की हमने भाषा पूछे तो कहां से ली थी, प्रस्तावना की भाषा ली थी हमने किस देश से ली थी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की क्या ली थी, भाषा। और एक बार आया था बच्चों, प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाते हुए ये प्रस्तावना की शुरुआत होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। एक बार आया था बच्चों हमने आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली थी, हमने आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली थी बच्चों, जर्मनी से ली थी। जर्मनी से हमने कौन सी शक्तियां ली थी, आपातकालीन शक्तियां ली थी। याद ना रहे तो बच्चों जब घर में ना मनी ना हो तो क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। स्टूडेंट लाइफ में तो बच्चों बहुत से हमने आपातकाल देखे हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ना बच्चों साल में चार चार बर्थडे मनाने होते हैं। रियल वाला बर्थडे अलग है, किसी और का अलग है, मतलब फेसबुक वाला अलग है, तो चार चार बर्थडे मनाएंगे तो आपातकाल तो लगेगा ना। तो जब घर में मनी ना हो तो क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। और आपातकाल से निपटना है ना बच्चों तो 21, 22, 23 को ना कलर्क का एग्जाम क्लियर कर देना, फिर लाइफ में कभी आपातकाल नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको इस, आपने अगर ये टारगेट सेट कर लिया है तो बच्चों हम जी जान लगा देंगे आपको इस टारगेट तक है पहुंचाने के लिए। तो बच्चों अब ना एक क्वेश्चन है ना मैं आपसे पूछूंगा, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस कमेंट को जवाब देना कि हमने मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए थे, और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में रहेंगे, और संविधान के किस भाग में रहेंगे, और वो भाग कहां से कहां तक है। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। उम्मीद है बच्चों आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और बच्चों जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि दुरीना पर प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट भी बच्चों दुरीना पर तैयार हो गई है। और उम्मीद है बच्चों आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पिछली वीडियो में बच्चों 50,000 हर वीडियो में व्यू आ रहे हैं, तो बच्चों इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।